तो भाइयों, आज हम आपको लेके आ गए हैं एक ऐसी जगह जो कि रामायण काल से जुड़ी हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने, रामायण काल से। आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो सुना ही होगा, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था और वो घोड़ा छोड़ा गया था जिसको लव और कुश ने बांध लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए थे। ये वही जगह है जहाँ पे जब हनुमान जी आए थे और उन्होंने लव और कुश के साथ युद्ध किया था, और उसके बाद लव कुश ने उनको यहाँ पर वट वृक्ष में बांध के रख दिया था। ये वही जगह है, ये मंदिर उसी जगह पे स्थित है। इसको ये है अमृतसर में बड़ा मंदिर के, बड़ा हनुमान मंदिर जी के नाम से है विख्यात है। ये देखिए यहाँ पर ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड को आप बाद में चाहो तो आराम से पॉज करके इसको पढ़ लेना ज़रूर। यहाँ पे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एक मेला लगता है जो कि करीब 10 दिन तक चलता है, और यहाँ पे लोग अगर जिनकी संतान प्राप्ति के लिए वो यहाँ पर आके भगवान का ये मन्नत मांगते हैं, और अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर रिवाज है कि वो बच्चों को लेके आके उनको लंगूर के हिसाब से भगवान श्री हनुमान जी का लंगूर बनाया जाता है। आप इस बोर्ड को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, इसमें पूरा डिटेल्स, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। और ये जो सामने जो आपको वृक्ष दिख रहा है, ये वही वृक्ष है जिसमें हनुमान भगवान को लव और कुश ने बांध के रखा हुआ था। इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए ये वृक्ष कितना बड़ा है, और ये रामायण के युग से तब से ये वृक्ष अभी भी है, देख ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ यार आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचाइए। धन्यवाद।